हेलो गाइज, आपका स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। आज कहाँ हैं गाइज? आज रोड पे हैं और अलग ही रूट है आज। आज जा रहे हैं हरिद्वार फॉर्म भरने, जैसे कि आपको कल वाले ब्लॉग में मैंने बताया था। और पीछे हैं हसन अख्तर जी और वसीम भाई, नहीं आ रहे हैं, बाकी सब चले गए, वहीं मिलाता हूँ आपको। तो आपको दिखा भी दूंगा कहाँ कैसे फॉर्म भरा जाएगा। तो तगड़ा ब्लॉग होने वाला है आज का और मज़ा ही बहुत आएगा। बस एक घंटा लगता है हमारे यहाँ से। और ये नया रोड बना है, दिखा, ये नया रोड बना है, इससे बहुत कम टाइम लगता है। तो चलते हैं अख्तर जी, पहुँचते हैं। कितने टाइम में पहुँच जाएंगे? बस आधे घंटे में पहुँच जाएंगे। बस अपनी वही है स्प्लेंडर। तो मिलते हैं गाइस आगे। गाइज, रास्ते में तो मामला सेट हो गया था, एक्सीडेंट आपने देख लिया होगा, वो हो गया था, पर शायद कोई बच गया, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। उसमें एक टायर फट गया था, एक बड़ी गाड़ी का, मैंने जैसा आपको दिखा दिया होगा। और अब कहाँ होगा इस बार, आप देखना, बाबा रामदेव को तो सब जानते होंगे इंडिया में। तो पतंजलि योगपीठ है ना अपना, वो देखे पीछे, वो मेन गेट आपने फोटो वीडियो में बहुत देखा होगा। तो बैक कैमरे से थोड़ा दिखा दूँ आपको, ये हरिद्वार जाते हुए पड़ता है पतंजलि। तो सोचा आप लोगों को दिखाता हुआ निकलूँ यहाँ से। तो ये गाइस, ये पुराना यहाँ पे पूरा सिस्टम जो यहाँ पूरा है, ये हरिद्वार से थोड़ा है, हरिद्वार यहाँ से 7-8 किलोमीटर होगा बस। और ये पूरा मामला इधर भी सब वही है। तो बस 20 मिनट में पहुँचते हैं भाई जहाँ फॉर्म भरना है। मैं थोड़ा हरिद्वार में भी आपको दिखाऊंगा और गंगा जी के दर्शन भी कराऊंगा कि कैसा लगता है वहाँ जाके और कैसा फील होता है। हरिद्वार बहुत अच्छी प्लेस है गाइस, शांति वाला इलाका है, कोई ज़्यादा भीड़ वाला नहीं है। गाइज, हरिद्वार में एंट्री हो चुकी है और पीछे देखिए कितना तगड़ा व्यू दिख रहा है। ये घाट है कोई सा, जो हर की पैड़ी है वो तो गाइज यहाँ से आ गया है, पर हम पुल के ऊपर आ गए। मैं नीचे, आप ये देखिए पहाड़, मतलब गाइज अलग ही मजा है यहाँ। ये देखिए जो मैं आपको घाट बोल रहा था, घाट है कोई सा, जाके भी दिखाएंगे आपको। अभी तो पहले फॉर्म भरने का सीन करते हैं, अगर वहाँ कैमरा अलाउड हुआ मैं दिखा दूंगा आपको जहाँ फॉर्म भरूंगा उसका फोटो भी, फोटो क्या आपको वीडियो बना के दिखा दूंगा, वो तो हम साइड में आके भरेंगे। सब कुछ दिखाऊंगा, डॉक्यूमेंट भी दिखा दूंगा क्या क्या लगेंगे। और सब भर रहे हैं, अली भी वहीं पे है, सोहित वहीं पे, बाकी हम जा रहे हैं। आपको दिखा रहा था रास्ते का तगड़ा सीन है यहाँ पे, मज़ा बहुत आएगा। जाएंगे अभी फॉर्म भरने के बाद, उधर ही मिलते हैं। अब चलते हैं, थोड़ा दूर ही रह गया फॉर्म जहाँ भरना है। और अभी पुल के ऊपर है, ये देखिए पुल के ऊपर है, और ये अख्तर जी है। और ये रहा चाचा, आप बताओ इस बार क्या होगा गाइस, बता दो इसका क्या सीन बनेगा। मुझे तो लग रहा है इस बार, और ये भी सब अपने भाई हैं, सारे रुट के गए हैं, वो अख्तर जी हैं, और ये सर फॉर्म भर रहे हैं। गाइस फोटो स्टेट तो हो गई है, अब जाके बस फॉर्म भरने हैं दोनों। तो जल्दी जाता हूँ, अभी रोड पे ही हूँ बीच में हरिद्वार में। गाइज फॉर्म का मामला सेट हो गया, भर दिया अख्तर जी ने, सीनियर का खाली बड़ा, और 1100 रुपये लग गए भाई। कैसा चुनने लगा 1100 का? बहुत तगड़ा भाई, 1100 रुपये पूरे पिन गए हमारे, और इसके भी पिन गए 1100 रुपये का लग गया वैसे। और भाई कम से कम बताऊँ तुम्हें, डॉक्यूमेंट कितने दिए हरिद्वार में? हाँ डॉक्यूमेंट दिए कम से कम 10, एक फोटो कॉपी 10 उसमें, 10 उसमें, और चेकबुक क्या वो क्या, मतलब 1100 रुपये नहीं लगे हैं, जेरोक्स के अलग लगे, फोटो कॉपी के 40 रुपए, लगा लो फिर तो 1200 रुपए, और फिर भाई 40 रुपए वहाँ पे निकलवाए हमने डॉक्यूमेंट, और तेल के 200 रुपए, 60 मेरे भी गए भाई, 60 गए, 60 रुपए मेरे गए, फोटो निकलवाए, फोटो भूल गया था घर पे, 1400 रुपए का हिसाब बन चुका है। तो गाइज ये खर्चा हो गया हमारा तीनों का, थोड़ा सा पैसा लगता है भाई कहीं भी है, ट्रायल हर जगह पैसे लगता है थोड़ा सा। तो अब चलने का ऐसा सीन है, यहाँ से सेलेक्ट होगा, हम देहरादून जाएंगे ना, वहाँ पता चल जाएगा। और तो वहाँ का भी सीन है, फिर अली की बाइक ले रही है और अपनी भी उठाएंगे, और अख्तर जी में चलते हैं। तो ठीक बना गया, कम से कम लग गया 1 घंटा यहाँ पे फोटो फोटो, 1 घंटा लग गया, 2 घंटे, 1 घंटा लग गया, आधा घंटा फोटो निकलवाने में, आधा घंटा फॉर्म भरने में। और ये रही हमारी बाइक, चलते हैं और चलते हैं। चलो मिलते हैं गाइस आगे, जो भी सीन बनेगा आपको बताते हैं। अभी यहाँ से निकलने का टाइम हो गया, बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है, पहले पानी पियेंगे कहीं जाकर। आपको बता दूँ गाइस, लास्ट में आपको बता दूँ, फॉर्म नाम डिस्ट्रिक्ट का भर रहे हैं,
इसके बाद हमें जाना है आगे, अगर यहाँ से सिलेक्ट होंगे फिर देहरादून जाएंगे। तो फोन ये फॉर्म ना डिस्ट्रिक्ट का था, तो व्लॉग बराबर आते रहेंगे, जो भी सीन बनेगा व्लॉग में बराबर आपको डालता रहूँगा क्या क्या सीन बन रहा है। पर अभी अब चलते हैं यहाँ से। तो गाइस फॉर्म बनने के बाद आ गए हैं छोले कुलचे की, क्योंकि भूख लग रही है, छोले कुलचे खाएँगे। और सीन क्या बना, अकेडमी जा रहे हैं यहाँ से, अकेडमी जाके अपनी प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि ट्रायल कल परसों ही, मतलब डेट क्या बताई ट्रायल की, 9 तारीख को ट्रायल है, सीनियर्स के पहले हैं। तो मैंने दोनों बोले हुए हैं, अख्तर जी सीनियर है, तो उसका भी व्लॉग में मैं आपको दिखा दूंगा। पर भूख लग रही है, पहले छोले कुलचे खाएंगे। और हरिद्वार से तो बाहर आ गए हम, आज थोड़ी सी कावड़ चल रही है क्योंकि सोमवार आने वाला है ना, तो छोले कुलचे बन रहे हैं अपने। ये हरिद्वार के रोड में मिलेंगे आपको, ये भैया ये वाला रोड है सामने हरिद्वार, तो यही खाएंगे, बताता हूँ टेस्ट करके कैसे हैं। पर प्याज भी लग रही है, पानी का तो सीन यहाँ पे कहीं है नहीं, ठंडा पानी पीना है, पर पहले खा लेते हैं उसके बाद देखेंगे पानी पीने का सीन क्या बनेगा। गाइस गर्म हो रहे हैं तो ठंडे करके खाएंगे एक एक करके, फिर बताता हूँ कैसे लग रहे हैं टेस्ट। इस तरीके से पूछते हैं टेस्ट कैसा लग रहा है, गर्म हो रहे क्या, गर्म हो रहे, गर्म है बहुत ज़्यादा। टेस्ट कैसा अभी, टेस्ट जो है तो 60 ग्राम कैसा, मैं भी टेस्ट करके बता दूँ फिर। गर्म हो रहे भाई बहुत, बढ़िया हो रहा, भूख खत्म हो गई थोड़ी बहुत, थोड़ी सी प्याज डाल दो, बहुत भूख लग रही थी तो मैंने एक्स्ट्रा ले लिया अभी, क्योंकि एक्स्ट्रा तो हमें लेने की आदत है, एक्स्ट्रा तो हमेशा लेते हैं मिसाल जी, चाहे कुछ भी हो कुछ भी। तो उसी आइसक्रीम का बना रहे हैं, उसके खाने के बाल थोड़ी सी गर्मी चल रही है, दे दियो। कौन सी है, चोको बार है। तो आइसक्रीम खाने का सीन बन रहा था, ये आइसक्रीम। और अंकल जी यहाँ मिलेंगे आपको, ये रोड है हरिद्वार वाला, क्या नाम है अंकल जी जगह का, CNG। जो CNG मिलेगा ना, आप हरिद्वार आते हो, दिल्ली से बहुत घूमने आते हैं, दिल्ली से बहुत ज़्यादा लोग घूमने आते हैं मेरे भाई, तो यहाँ पे अंकल जी खड़े हैं। मैं किस टाइम से किस टाइम रहते हो, दिन में पूरा दिन मिलेंगे आपको, तो इसे आगे ज़रूर खाना रुकना, जब भी दिल्ली आने का सीन बने तो आप उधरली साइड रुकोगे, जब दिल्ली आओगे तो मतलब उधर हरिद्वार जाएंगे ना, वापस आते हुए खा सकते हो, या वहीं रुक के अंकल जी यहीं मिलेंगे खड़े हुए। ये रहा CNG का आपका, यहाँ क्रीम बेल अभी बता दो क्या है, क्रीम बेल आइसक्रीम यही पे मिलेंगे, ठीक है, तो जरूर खा लेना भाई। CHOUDHRY ये रहा विशाल चौधरी, क्रिकेट आ गया, ये रहा ये इस पे आएगा कल, अब तो आता रहेगा, हाँ सब्सक्राइब कर दिया आपने, अब नोटिफिकेशन आती रहेगी इस वाले चैनल पे, यहाँ पे अंकल जी को चैनल बता दिया, देख लिया, अब कल देख लेना आप, कल वीडियो में आओगे। और गाइस अभी वहीं पे पहुंच गए जहाँ से व्लॉग स्टार्ट हुआ था, उधर की साइड से व्लॉग स्टार्ट हुआ था, हम इस साइड है और घर हमारा थोड़ी दूर बचा है, और 4 बज रहे हैं, बहुत टाइम लग गया वहाँ पे, और हम बहुत जल्दी आए, 20 मिनट में गाड़ी लगा दी, मतलब अपनी जो हाई बुझा था इसकी वो बना दी 220 पल्सर। तो और अख्तर जी पूरे थकान, कितनी देर आए, कितनी देर लगी होगी, 20 मिनट लगी यहाँ पहुँचने में, और मतलब पूरा ऐसा बना रखा था इसका, पूरा ऐसा था, ये जो रिश्ते ना ऐसी थी बस ऊपर पूरा, क्योंकि रोड बिल्कुल ऐसा है छोटनाटेदार। तो भाई लास्ट में वो मिले थे अंकल जी, वो खुद ही पूछने लगे, व्लॉग अच्छे लग रहे थे, मतलब खुद ही बात कर रहे थे, उन्हें सब पता है, इतने नॉलेज है, वो खुद भी व्लॉग बनाए तो खुद भी स्टार बन सकते हैं, वो बता रहे थे और भी कोई मिलना है, तो अच्छा लगता है जब ऐसे लोग मिलते हैं। उन्हें मैंने बता दिया चैनल कि कल देख लेना व्लॉग आ जाएगा ये वाला। तो गाइज अभी फॉर्म वॉर्म सब भरा गया, जब भी कुछ ट्रायल वाला होगा मैं व्लॉग बनाता रहूँगा, ऐसे ही जुड़ रही है, और इस व्लॉग का यहीं पे एंड करते हैं, बहुत बड़ा व्लॉग हो गया आगे का, बाद में देखते हैं मैं व्लॉग बना दूंगा फिर, तो अभी यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, अगर अच्छा लगा तो लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक यू गाइज़।